देहाती स्टाइल में भाजी है, नॉर्मल सा खाना, स्वादिष्ट खाना है, एकदम सादा। ये सब खाना का बहुत ही स्वाद लगता है, घर का कद्दू खाना है। देखिए तो मेरा भाजी बन फ्रेंड्स, सुबह का गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से आप सभी फैमिली, यूट्यूब फैमिली को। तो आप लोग कैसे हैं, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए अभी सुबह का बज रहा है 6 और हमको इतना सुबह सुबह उठना पड़ा। और क्यों उठना पड़ा आपको तो पता ही है कि मेरा हस्बैंड काम में जाते हैं, तो उनके लिए नाश्ता वगैरह रेडी करना पड़ता है। सो आज हमने सुबह सुबह उठा, अभी तो हम दिखा देते हैं आपको। झाड़ू वाड़ू भी हमने सब दे दिया है, बर्तन भी धो लिया, झाड़ू भी दे दिया है। वो मैं नहीं दिखाई क्योंकि जल्दी जल्दी में थी ना, इसीलिए। और अभी हम जा रहे हैं नाश्ता रेडी करने के लिए, तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं कि नाश्ता में हम क्या बनाने जा रहे हैं। अब इससे पहले, हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, अगर हम लोग का ब्लॉग अच्छा लगता हो तो। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, घर में आ गए हैं। घर में मच्छरदानी भी लगा हुआ है, देखिए ये मेरा छोटा बेटा सोया हुआ है अभी इसमें, और उधर बड़ा वाला बेटा है ये मच्छरदानी में। और मैया यहाँ उड़ गई है, का करे मैया, खेलने की तैयारी कर रही है। और अभी घर में सब सोया पड़ा हुआ है, आप लोग तो देख ही सकते हैं। तो ये मच्छरदानी खुलेगा तो घर में झाड़ू वाड़ू लगाएगी। और अभी हम चलते हैं चूल्हा की तरफ, तो उधर हमको बनाना है, तो क्या बनाना है चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं। तो अब ये देखिए हमारा पेड़ पौधा की हरियाली कितना मस्त लग रहा है, इधर भी है, ये देख सकते हैं इधर भी है। तो ये देखिए हमारा पेड़ पौधा की जो हरियाली है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है सुबह सुबह का देखने का। और कल पानी बहुत ज़्यादा हुआ था, अभी भी देख सकते हैं पूरा ज़मीन गिल्ला है, पानी बहुत हुआ था कल औरंगाबाद में। और इधर हमारा सारा जलावन जो था सब भींग गया, चूल्हा भी भींग गया है, अभी पकाना है। और इस घर में लकड़ी है, अभी निकालेंगे। और ये देखिए इतना पानी हुआ था, बहुत काफ़ी पानी हुआ था कल, और भोर में भी पानी हुआ है 3 बजे के लमसम। तो अभी हम इसको चूल्हा वूल्हा जलाते हैं। यहाँ पे हमने कद्दू काट लिया है, आपको ये सब दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए हम कद्दू काट लिया है, इसलिए कद्दू का भाजी बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। तो हमने कद्दू कल ही शाम में काटा था बनाने के लिए, लेकिन पानी आने के कारण हम नहीं बना पाए थे, इसलिए पानी बहुत ज़्यादा था, झटास भी था, तो नहीं बना पाए थे। तो ये देखिए हमारा कद्दू जो है यहाँ पर कट के रेडी हो गया है, और भाजी बनाएंगे इसका। तो चलिए फ्रेंड हम बनाते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहें, दिखाते हैं हम चढ़ाने के बाद। फ्रेंड मेरा जो है कद्दू का भुजिया दम बन के तैयार हो गया है, कद्दू का भाजी है, दिखा दें आप लोग को। यहाँ चूल्हा जल रहा है और यहाँ भाजी एकदम देख सकते हैं, तो देहाती स्टाइल में भाजी है, नॉर्मल सा खाना, स्वादिष्ट खाना है, एकदम सादा। ये सब खाना का बहुत ही स्वाद लगता है, घर का कद्दू खाना है। देखिए तो मेरा भाजी बन के एकदम रेडी हो गया है, अब हम इसको उतार लेते हैं, इसको हम ढक देते हैं और हम इसको उतार लेंगे कपड़ा के मदद से, साफ़ी है, इसको उतार के यहाँ रख लेते हैं। आँच देखिए कैसे लग रहा है, तवा चढ़ा देते हैं, जा उसमें गिर गया। ये देखिए यहाँ पर तावा चढ़ा दिए हैं, अब हम रोटी यहाँ पर आटा भी सान लिए हैं, और यहाँ पे हम रोटी फटाफट से रोटी बना लेते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहें, बनाते हैं। पर जो है सब बन के रेडी हो चला है, ये देख सकते हैं जितना, ये रोटी एक तो कच्चा रह गया इसलिए कि हमको आज बुध गया था फ्रेंड, इसीलिए। तो हम नाश्ता बना लिए हैं, इधर हम भात भी बना लिए, देखिए आप लोग को दिखा दे मेरा दोपहर का जो खाना है वो भी रेडी हो चुका। इधर हम मुनगा आलू का सब्जी बना रहे हैं, तो यहाँ पर आज लग रहा है, यहाँ पर हम जल्दी देखिए मुनगा छील के, देखिए अभी आलू मुनगा सब छीले हैं, मुनगा उनगा छील के जल्दी सब भूंज ले रहे हैं। और उसके बाद फिर हम मसाला पीस लिया है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप लोग, मसाला वसाला सब हम रेडी कर लिया है। आज का वीडियो जो भी था हमने आपको दिखाया, सुबह का ब्लॉगिंग किया है, और अभी भी मेरा काम जो है ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी मेरा बहुत सा काम है। और आपको हम दिखा देते, इधर देखिए हम मसाला भूंज रहे हैं, मेरा सब्जी जो है मुनगा आलू के, देखिए यहाँ पर काट के मुनगा आलू भूंज लिया है, यहाँ पर हम मसाला भूंज रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो भी हम सब्जी बना लेते हैं, फिर अगर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, अगर पूरा वीडियो दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, वीडियो अपलोड करने के लिए नेट भी चाहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं एक हम न्यू ब्लॉग में। तब आज के लिए आप लोग इस वीडियो पर इंजॉय कीजिए, जो भी जैसा भी लगता है कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए।
और किसी भैया ने मुझसे पूछा था कि आप कौन सा फोन से वीडियो बनाती हैं, तो एक बता दे, एक के मतलब कि नॉर्मल स्मार्टफोन है, MI का है फोन, और मैं बहुत परेशान हूँ। ये भी फोन मेरा जो है बहुत काफी टूट चुका है और बहुत मजबूरी में आपको, अगर दूसरा फोन से अगर वीडियो बनाते, हम आपको दिखाए थे कि मेरे पास दूसरा फोन है नहीं, तो इसी फोन से हम वीडियो बनाते हैं। जो वीडियो फोन का बहुत ज्यादा हालत खराब है, पूरा फोन टूटा हुआ है, बस इसी से हम अपलोड कर लेते हैं अपना वीडियो, यही मेरा लिए काफी है। सो फ्रेंड, मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर अपना प्यार आशीर्वाद दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट करें, फुल वॉच करें, और प्लीज आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक कर लें, और एक लाइक बनता है तो एक लाइक कर दिया कीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोग ही के आज पे, और आप लोग अगर देख करके चले जाते हैं तो आप लोग को देख के जाने में बस 2 से 3 सेकंड लगता होगा, लेकिन ये वीडियो बनाने में हमको एक आस रख के, पहली बात तो वीडियो बनाने में तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन मन में एक आस भी होता है फ्रेंड की, आस है कि मेरा भी वीडियो को कोई लाइक करेगा। तो बस आप लोग इस बहन को भी सपोर्ट कीजिएगा, मेरे पास कोई बढ़िया खास फोन है नहीं, बस नॉर्मली स्मार्टफोन है जो है MI का, तो हम उसी से वीडियो शूट कर लेते हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही, फिर वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।